Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. The Oppo F13 has not even been announced yet and we already have the first look of the Oppo F13 Pro. And surprise surprise, it has a whole punch display just like the other smartphone brand devices. Oppo F11 Pro mein ek bezel-less full screen edge to edge display dekhne ko milta hai jo ye phone ke liye ek kafi behtareen feature tha, lekin agar dekha jaye Oppo ki F13 series mein jo device aayega usme koi bhi full screen display nahi hoga. Yahan pe ek punch hole design ka display देखने को मिलेगा जो भी एक यूनिक डिजाइन के साथ आएगा. और Oppo इस बार मोटराइज कैमरे को रिप्लेस करके यहाँ पे पांच होल डिस्प्ले को यूज करेगा और मुझे उम्मीद है कि ये पांच होल डिस्प्ले से काफी बेहतर टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस को लुक में भी काफी डिफरेंट लाके दे सकता है. ओनली डिफरेंस यू कैन सी इज दैट इंस्टेड ऑफ द पॉपअप कैमरा देयर इज अ पांच होल कट डिस्प्ले एंड विल नो लॉन्गर गेट द अनइंटरप्टेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले. बट मोटराइज कैमरा सेटअप एक डिजाइन कॉम्प्रोमाइज है और Oppo इस बार पॉपअप कैमरे को रिप्लेस करके Oppo F13 पे पांच होल डिस्प्ले का यूज करेगा. और अभी ये लग रहा है कि फ्यूचर की ओप्पो स्मार्टफोन पे मोटराइज्ड पॉपअप कैमरा सेटअप को रिप्लेस करके पांच होल कैमरे को इस्तेमाल किया जाएगा जो ओप्पो के स्मार्टफोन पे मेन स्ट्रीम पे लिया जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू ए वेरी पॉपुलर चाइनीज सोशल मीडिया वेबसाइट ओप्पो मिड रेंज ओप्पो F13 पे स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 730 प्रोसेसर देखने को मिलेगा विद 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम विद 128GB ऑनबोर्ड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में. इस बार Oppo F13 की कैमरा डिजाइन में भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा और ये फोन पे क्वाड कैमरा सेटअप को यूज किया जाएगा जो आपको काफी बेहतरीन फोटो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है. Oppo F13 Pro में गोरिल्ला 6 का यूज किया जाएगा और ये गोरिल्ला 6 काफी पावरफुल है पिछले गोरिल्ला 5 की कंपेरिजन में. और ये फोन पहला फोन होगा Oppo F सीरीज के अंडर में जहाँ पे इतना बढ़िया प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा वो भी एक मिड रेंज फोन पे. इस बार Oppo F13 Pro में स्प्लैश प्रूफ टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा जो डिवाइस को नॉर्मल वाटर डैमेज से प्रोटेक्शन दे सकता है. और मुझे लगता है ये एक और बेहतरीन फीचर है Oppo F13 Pro के लिए. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके. तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. पीस आउट.